बताओ यहाँ पे एक फॉर्मूला इसमें और आया था, मैंने क्या बोला था कि अगर करंट दिया हुआ रहेगा, ऐस आया आसान से बट बात कोई नहीं करेगा, चलो शांत रहो। अगर मान लो करंट के टर्म में दिया रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर आई इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा आवेश बराबर क्या होता है, करंट इंटू टाइम, मतलब करंट दिया रहेगा टाइम दिया रहेगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं। बोर्ड में सिंपल पूछता, चार्ज दे देगा तो बोलेगा एम बताओ, ठीक है, तो करंट वाला क्वेश्चन तो कंपटीशन में ज्यादा देता रहता है। वैसे हम यहाँ पे एक तो क्वेश्चन कर लेंगे इससे रिलेटेड, आज क्वेश्चन ही करेंगे, अगले क्लास में हम सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे। इसको मैंने थोड़ा और ओपन किया था, मैंने बोला जेड का वैल्यू तो या तो दिया रहेगा या तो खुद निकालना पड़ेगा, है ना, जेड निकालना सिंपल भी था हमारा, जेड बराबर क्या था हमारा, ई बट्टा एफ, क्या निकालना सीखा था, जेड बराबर ई बट्टा एफ, जहाँ पे जेड को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जानते थे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते थे, है ना, मैंने लिखा था इसका मतलब क्या था, जेड का मतलब बताओ तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते थे इसको। अब इसको इसका वैल्यू निकालते कैसे है, तो मैंने बोला था ई बट्टा एफ को सॉल्व करो अपने आप निकल जाएगा, जहां पे ई क्या था बताओ तो, ई बराबर क्या लिखा था मैंने बताओ तो, मोलर द्रव्यमान बटा क्या था बताओ, नीचे में क्या था एक्स था हमारा, जहां पे एक्स वो है कितना सारा चार्ज है एक टाइम पे, क्या एक एनायन पे, ठीक, एफ यहाँ पे क्या था फैराडे नियतांक था। तो कुल मिला के अगर मान लो जेड का वैल्यू अगर रखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मोलर मास बट्टा क्या हो जाएगा एक्स इंटू क्या हो सकता है, 1 बटा फैराडे कॉन्स्टेंट, यानी कुल मिला के ये वैल्यू निकल के आएगा हमारा एम बटा एक्स इंटू 1 बटा फैराडे कॉन्स्टेंट। अब ये वैल्यू पकड़ के यहाँ पर रख दो तो हम मास निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा टोटल एम बराबर एम बटा बैलेंसी फैक्टर एक्स इंटू 1 बटा एफ फैराडे कॉन्स्टेंट इंटू क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे एक सिंपल सा एक लाइन में सॉल्व करने का, चलो बनाते हैं इसको थोड़ा हम। देखो वही क्वेश्चन मैंने दिया है कि अगर 2 फेराडे का आवेश, ठीक है, 2 फेराडे का अगर आवेश को हम पास करवाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कौन क्या रखा है मैंने यहाँ पे AgNO3। अगर AgNO3 किस अवस्था में बताओ तो यहाँ पे पिघली अवस्था में, मतलब उसमें कुछ आयन और कुछ नहीं हुआ केवल सिल्वर नाइट्रेट होगा, ठीक है, तो बताओ तो इसको अगर ब्रेक करेंगे AgNO3 को तो कैसे ब्रेक होगा, देखो तो Ag प्लस प्लस और माइनस ब्रेक होता है, और NO3 माइनस Ag प्लस और NO3 माइनस, तो ये मैंने पिघली अवस्था में रखा हुआ है, तो मैंने बोला सिल्वर कितना सारा, सिल्वर का कितना सारा द्रव्यमान जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पे जाके जमेगा जब कितना फेराडे का चार्ज पास करवा रहे हैं, 2 फेराडे का, तो ये हमको सिल्वर निकालना, तो बताओ ये क्या है, धनायन कि ऋणायन, धनायन बताओ, धनायन कहाँ जमता है, कैथोड पे कि एनोड पे, सी से कैटायन सी से कैथोड, कैथोड पे जाके जमेगा ये, तो पहला ये तो हो गया कि कैथोड पे जाके ये प्रोडक्ट बनाएगा, कितना जमेगा वो निकालना है, चलो निकालते हैं। तो मास डिपोजिट ऑन द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, ठीक, जहां पे जेड को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, मोलर मास बट्टा बैलेंसी फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 1 बट्टा फेराडे नियतांक इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे आवेश, बताओ मोलर मास जो डिपोजिट होने के लिए जाता है उसका मोलर मास दिया रहेगा हमेशा कितना है, 108 ग्राम है, चलो बैठो जल्दी, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर में 108, बताओ x का वैल्यू कितना रखे यहाँ पे, 1 रखेंगे क्योंकि Ag प्लस है, एक प्लस का चार्ज है तो एक रख लो यहाँ पे, इंटू 1 बटा फेराडे, तो कितना रखेंगे यहाँ पे हम, एक बात याद रखना सुनो हम बताते हैं यहाँ पे हम, आप देखो फेराडे का वैल्यू तुम रख लो, या देखो ये भी फेराडे में दिया हुआ है ना, तो कटे जाएगा ना आगे जाके फेराडे से फेराडे, तो तुम इसको या तो कूलम में रख लो, तो कूलम में रखोगे तो इसको भी कूलम में रखना पड़ेगा कि कूलम से कूलम तब कटेगा, तो अगर फेराडे में दिया तो फेराडे में ही रखो, अगर कूलम में रखता तो कितना रखते हैं यहाँ पे, 96,500 रखते हैं, बात समझ में आ रहा, अगर यहाँ पे कूलम दिया रहता है तो बताओ इसको फेराडे को किस में रखते हैं, कूलम में रखते हैं, तो यहाँ पे फेराडे दिया होता है इसको इसको क्या कर लेते हैं हम, फेराडे ही रख लेते हैं इंटू, क्यू क्यू को क्या रखते हैं यहाँ पे हम, 2 फेराडे कर ले, ठीक है, बात बराबर है, फेराडे से फेराडे कट जाएगा, अगर 96,500 रहता तो ये भी 96,500 रहता वो भी कट जाता आपस में, बात समझ में आ रहा है इतना, ठीक है, तो बताओ एफ से एफ क्या कर देते हैं यहाँ पे हम, काट देते हैं, बताओ कितना सारा होगा, 108 × 216 ग्राम, यानी इतना सारा क्या होगा हमारा, सिल्वर का मास डिपॉजिट होता है, चलो जल्दी नोट करो इसको, एक ट्रिक बताएंगे लास्ट में, ठीक है।
आया देखो 6:33 और 35 में ऐड करेंगे पेज हम, जल्दी लिखो, 2 मिनट का टाइम है। चौतीस हो गया, आज 36 में करेंगे। चलो तो इसको हम एक लाइन बनाते हैं। अब हम हमको आंसर कितना आना चाहिए बताओ तो, 216 ग्राम आना चाहिए आंसर। देखो एक देखो एक लाइन में बन जाएगा, किस एग्जाम में जब आएगा ना तुमको इस तरीके से जज करना, वैसे यहाँ से ही बन जाएगा लेकिन टाइम कुछ लग जाएगा तुमको। तो शॉर्ट ट्रिक ये हमारा, देखो तो कैसे बनाएंगे, जो नहीं लिखा है टाइम देंगे लिखने के लिए, मिटाएंगे इधर हम इधर लिख देंगे। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना तुम, देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले ये देखना है कि जो जिसको हम रॉड पे जमाने के लिए जाते हैं ना उसका इक्वेशन तुम बना लो। तो बताओ तो इसका इक्वेशन कैसे, जनरली ना मेटल ही जाता है ठीक है, जैसे मान लो तुमको कॉपर जाएगा था, कॉपर 2+ लेते थे वहां पे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता था, क्या बनता था बताओ तो, कॉपर बनता था। तो जनरली ना तुमको मेटल ही बोलेगा। तो देखो तो इक्वेशन पहले जो जिसको जमाने के लिए रॉड पे जाएंगे उसका समीकरण पहले पता होना चाहिए। तो बताओ तो ये समीकरण बनेगा ना कैथोड पे, Ag+ क्या करेगा रॉड पे जाकर, जैसे ही जाएगा तो वहां से 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और डिस्चार्ज होगा, ये बनेगा हमारा सिल्वर सॉलिड बनेगा। अब एक बार तुम बताओ तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मोल Ag+ गया होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा और Ag1 मोल बनाया होगा, बोल सकते हैं क्योंकि रस समीकरण मिति मैंने पढ़ा कि नहीं पूछा तो कोफिशिएंट कितना मान लेंगे 1, तो 1 है तो ये 1 है, 1 से कितना बनेगा 1 मोल सिल्वर बनेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 1 फैराडे का चार्ज अगर पास करवाते हैं, बताओ ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन रॉड पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ के मतलब ओवरऑल आइडिया हम ऐसे लेते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब रॉड पे होता है तो कितना सिल्वर चिपकता है, 1 मोल सिल्वर चिपकता है वहां पे ठीक है सांद्र। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसको क्या बोल सकते हैं, 1 फैराडे का आवेश पढ़ाए थे हम अभी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 फैराडे का आवेश। अब बताओ 1 फैराडे का जब आवेश हम पास करवाए अगर हम, तो बताओ 1 मोल सिल्वर जमेगा वहां पे ठीक है। अब 1 मोल सिल्वर का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास, मोलर मास बताओ, मोलर मास दिया रहेगा हमेशा तुमको कितना है, ये 108 ग्राम दिया हुआ ठीक, 108 ग्राम पर मोल लिखा हुआ रहता है, मोल कहने का मतलब 1 मोल का जो मास होता है ना उसी को बोलते हैं मोलर मास है ना, ग्राम पर मोल, इसका यूनिट यही होता है ग्राम पर मोल में लिखते हैं मोलर मास। 1 फैराडे का चार्ज पास करवाया है तो 108 ग्राम जमता है, बताओ कितना फैराडे का पास करवा रहे हैं, 2 फैराडे का, बताओ 2 फैराडे में कितना होगा, 108 गुना 216, बताओ आंसर आ गया कि नहीं आ गया, 108 गुना 2, बताओ इतना लंबा करना पड़ा हमको, 216 ग्राम आ गया हमारा आंसर। चलो जल्दी नोट करो तो एक लाइन में आंसर आ गया हमारा, कल वाला क्वेश्चन भी करवा देते हैं, कल वाला जो दिए थे ना तो ऐसे सॉल्व किए थे उसको, तो शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर देते उसको। अभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे 4-5 टॉप बोर्ड में 17, 18, 19, 20, 21 में पूछा हुआ, इस साल भी रिपीट हो सकता है वैसा क्वेश्चन, तरीका सेम है बनाने का। क्या बोल
पूरा क्लास डिस्टर्ब करता है इधर। इसके साथ तुम कह रहे, तुम कह रहा था इसके साथ लाओ तो पिछले क्लास वाला क्वेश्चन, पिछले हम भी नहीं आए थे, लाओ ना उससे पिछले वाला नहीं लाया है तुम्हारे पास होगा, लाओ ला तुम लाया है पिछले क्लास वाला, लाओ तो पिछले क्लास वाला ये हमारा इस क्वेश्चन का पिछले क्लास वाला क्वेश्चन जो था ना हमारा, जिसको मैंने सॉल्व किया था, थोड़ा लंबा गया था, इसको भी एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं ठीक है। ये पिछले क्लास वाला कहीं पर जगह होगा ना, दो लाइन में भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो लाइन में बनने वाला हमारा। पिछले क्लास जो क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या बात सुन एक बार पढ़ देते हैं। कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का जब पिघली अवस्था में मेरे पास विलयन है तो उसमें कितना फेराडे का आवेश पास करवाते हैं, 2 फेराडे का पास करवाते हैं। तो कॉपर कितना सारा कॉपर का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन पे जाके जमता है ठीक है, कॉपर का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ 63.5 है। तो बताओ तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का पिघली अवस्था में दिया, पिछले क्लास का सॉल्यूशन है ये, इसको कहीं पे 60 में लिख लेना जगह होगा, 2 लाइन में अट जाएगा, 2 लाइन में अपना एडजस्ट कर लो। सुनो तो क्या हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है पिघली अवस्था में, तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, कॉपर 2+ में डिसोसिएट करेगा और SO4 माइनस में रहेगा सॉल्यूशन में पड़ा हुआ ये ठीक है। हाँ अब बताओ हमको कॉपर जमाना है तो कौन सा इक्वेशन लेंगे यहाँ से, कॉपर वाला, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर वाला इक्वेशन लिया तो यहाँ पे कौन सा लेंगे हम, कॉपर वाला ठीक। तो बताओ क्या करेंगे, कॉपर 2+ को पकड़ो बाहर, बताओ ये रॉड पे जमने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, क्या बना लेगा ये बताओ, तो कॉपर सॉलिड बनाएगा ठीक। आप एक बात बताओ तो इस समीकरण से हमको क्या आइडिया लग रहा है कि अगर ये 1 मोल होता तो ये 2 मोल को ले जाता कितना बनाता, ये 1 मोल कॉपर जमता यहाँ पे, यानी कुल मिला के 2 मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 मोल कॉपर जमता है, मतलब 2 फेराडे का जब चार्ज पास करवाएंगे यहाँ पे हम, या रॉड पे अगर 2 फेराडे का अगर आवेश रहेगा तो बताओ कितना कॉपर जमेगा, 1 मोल, 1 मोल कॉपर का मास कितना लिखा है पिछले क्लास में 63.5, वो दिया रहेगा डाटा में, टेंशन नहीं लेना उसके लिए, 63.5 ग्राम पर मोल ठीक है। तो ये तो हम इक्वेशन से आइडिया लिए हैं, 2 फेराडे में पास करवाएंगे इतना जमेगा, अब कितना पास करवा रहे वो हम क्वेश्चन से देख लेंगे हम, कि 2 दे रहा है कि 3 दे रहा है कि 1.5 दे रहा है कि कितना दे रहा है ठीक है। तो बताओ कितना दे रहा है, देखो तो 2 फेराडे दे रहा है, बताओ 2 फेराडे में कितना जमेगा, 63.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर है हमारा, क्या 1 लाइन में नहीं बन गया, देखो तो कितना लंबा गया था पिछले क्लास में, हाँ अगर जैसे 2 फेराडे है, हमने बोला 3 फेराडे के लिए निकालो, तो पहले क्या करेंगे 1 फेराडे के लिए निकाल लेंगे यहाँ से एक एक नियम से, तो 1 फेराडे में क्या जाएगा बताओ, 63.5 बटा 2 लिखेंगे, 63.5 बटा कितना आएगा, ये 2 आएगा, आप बोलेगा 3, 4, 5, 10 के लिए निकाल लेंगे यहाँ से हम ठीक है, तो वैसे बनाना, तो देखो 1 लाइन बन गया, चलो नोट करो इसको। अब हम बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे, अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कैसे करना है, लिख लो एक बात बोलो तो तुम लोग सुनो, तो अगर एग्जाम में तुमको ये फेराडे का जगह पे, सुनो एक मिनट सुनो, तो अगर इस 2 फेराडे का जगह पे अगर 2×96,500 कूलम रहता, ऐसे भी कूलम में भी दे सकता था ना, कूलम में भी दे सकता था, देखो एक काम करना है आपका, कूलम में देगा ना तो क्या करना है, 1 फेराडे का जगह पे क्या लगा देना यहाँ पे 96,500 कूलम, तो 96,500 कूलम का चार्ज पास करवाएंगे तो इतना जमेगा, तो 1 कूलम में कितना जमेगा, तो हम एक एक नियम से बना लेंगे यहाँ से, वैसे ही बना सकते हैं, ये फेराडे में दिया हुआ इसलिए फेराडे में लिखा, तुमको कूलम में भी दे सकता है तो तुम कूलम में भी इसको एडजस्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन करते चलो, तो लिखो तो बोर्ड वाला क्वेश्चन करवाते हैं, डिफिकल्ट है।
कौन है अभी हल्ला क्या कर रहा देखो तो ये बनेगा क्वेश्चन देखो तो बनाओ तो ऑब्जेक्टिव सबूत तो है क्या हुआ अरे कहाँ गया तुम और कहाँ गया वो लड़का और खचरा और था देखो ये सब ऑप्शन है लिखती है घंटा दलील बनाएंगे इसको कितना आया हाँ कितना है ए बी सी डी देखो कितना ए भी बोल रहा बहुत ए भी बोला है और सब ये चलो बनाते चेक करते हैं चलो चेक कर लेते ये सब लिख लिया है चलो कौन सा कौन पे ट्रिक बनाए फॉर्मूला बनाए कि ट्रिक बनाए ट्रिक बनाते देखो दोनों तरीका से बना देते एक क्वेश्चन है फिर क्या ट्रिक से ही बनाएंगे चलो सुनो तो पहले हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते बिना हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कोई फर्स्ट लॉ अगर पढ़ के नहीं गया रहेगा वो भी बना ले आए पिछला सब देखो यहाँ पे हमको कॉपर सल्फेट का विलयन है तो हमको क्या डिपॉजिट करवाना है कॉपर जनरली मेटल ही पूछता है तो पहले इक्वेशन बना लेंगे यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट है मेरे पास पानी में डालेंगे तो कॉपर 2+ होगा और क्या होगा इस पे SO4 2-। तो बोल रहा है कॉपर कितना जमेगा तो क्या करो कॉपर का समीकरण बना लो कॉपर 2+ है ज्यादा मत बोलो तुम लोग पीछे में
देखो तो यहाँ का कहने का मतलब क्या है, दो फैराडे का आवेश बताओ, एक कूलम एक मोल कॉपर यहाँ पे जो चिपकेगा रॉड पे, बताओ कितना सारा चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा, दो फैराडे का तो बताओ कितना सारा कॉपर जमेगा, बताओ तो 63.5, क्योंकि ये मोलर द्रव्यमान होता 63.5, सही है। अब देखो ये दो फैराडे को मैं ऐसे कर ले, इसको हम कूलम में लिख लेते क्योंकि आंसर किस में लाना है, कूलम में लाना है, इस बार फैराडे रहता तो फैराडे में ही सॉल्व कर लेते। अब क्या करेंगे इसको कूलम में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे हम 2 फैराडे है, तो क्या लिख सकते हैं 2 × 96 500, यानी हम इतना सारा चार्ज देंगे तो बताओ कितना जमेगा, 63.5 ग्राम। आई पीछे वाला साहब बताओ, इतना सारा कूलम मैंने पास किया तो इतना सारा जमेगा, तो एक कूलम में कितना जमेगा बताओ, तो एक एक नियम से सॉल्व करेंगे ठीक, तो कितना होगा 63.5/2 × 96 500 लिख सकते हैं। अरे ये नीचे चला जाएगा, तो एक कूलम के लिए निकल गया, हमको एक कूलम के लिए नहीं चाहिए, कितना के लिए चाहिए 96500 कूलम के लिए। अरे ये समीकरण से मैंने चमा किया कि दो फैराडे होगा तो इतना सारा ग्राम जब डिपोजिट होगा, इसको मैंने कूलम में कन्वर्ट करके इतना बना लिया, तो इतना सारा कूलम में इतना सारा जमता है, एक कूलम में कितना जमेगा 63.5/ इतना। अरे एक नियम तुम लोग जानता है ना, मैथ वाला नहीं जानता था, 9th पढ़ा हुआ तुम लोग ठीक है। आप बताओ एक कूलम नहीं चाहिए, कितना चाहिए हमको 96500 कूलम चाहिए, बताओ क्या करेंगे 63.5/2 × 96500 गुने कितना कर देंगे 96500 से, ठीक है 96500 इधर आ जाएगा, बताओ कूलम में तो क्या हो जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, बताओ कितना बचेगा 63.5/2 क्या लिख सकते हैं हम लोग 31.76 आता, वो लगवा जाएगा ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब ऐसे भी तुम देखो ना, दो इंटू 96500 था इतना था, तो एक में कितना था, दो नीचे ले आओ तो सॉल्व कर दो, वहां से भी सॉल्व हो सकता था हमारा। चलो ठीक है एक मिनट रुक जाओ, आप थोड़ा फॉर्मूला से बना लेते हैं, दोनों तरीका तुम लोग लिख लेना। बताओ फॉर्मूला में क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे एम बराबर क्या था बताओ, तो मास ऊपर में क्या रखते थे हम लोग, मोलर मास, नीचे में एक्स इंटू 1/f इंटू क्यू ठीक। बताओ m कितना है मोलर मास, 63.5 ठीक है। बताओ x का वैल्यू कितना रखेंगे हम, 2, तो 2 रख लो यहाँ पे, इंटू 1/ कितना रखेंगे हम, क्योंकि 96500 कूलम रखेंगे इस बार क्योंकि कूलम में दिया हुआ है, इंटू बताओ q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 96500। अब एक बात बताओ तो सुनो, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला ही बन गया हमारा, ऊपर में कितना है 63.5, ऊपर में कितना है 63.5, ऊपर में कितना है 96500, ऊपर में कितना है 96500, नीचे में क्या 2 × 96500 2 × 96500 सेम ही है, तो कितना आंसर बनेगा यहाँ 31.76 ग्राम। तब दो तरीका तुम्हारे पास हो गया, जो तरीका सॉल्व कर लो, ये फॉर्मूला है ये शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी नोट करो। तो ये 2015 में और 2019 में पूछा हुआ है, 2023 में चांस बन रहा है। हाँ सब्जेक्ट में आज तक नहीं पूछा, कैसे पूछेगा। अच्छी वाला चॉकलेट नहीं हो, हाँ तोरे कह चु तोरे Thank you.
आए चलो शांत रहो। तो देखो तो तीन क्वेश्चन मैंने दिया है 2018 में, 2021 में और 2022 से पूछा हुआ। चलो तो करो जल्दी इसको, तीनों का आंसर बताना है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, करो साइड में तुम लोग बनाओ, थोड़ा टाइम दे रहे हैं बनाने के लिए। इसको करते देखो, देखो बोर्ड में ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, तो तुम क्या करो पहले समीकरण लिख लो, ठीक है। फॉर्मूला मेरे पास है, फॉर्मूला से नहीं जाएंगे हम, सिंपल से समीकरण बनाएंगे। हमारे पास AgNO3 का सोल्यूशन है, इसको थोड़ा ब्रेक करना सीखना होना चाहिए, क्योंकि जितना सारा मैंने क्वेश्चन किया ब्रेक आना चाहिए इसको, इसको ऐसे ब्रेक कर ले Ag+ और NO3-। जनरली मेटल के लिए बोलता है तो बोला सिल्वर के लिए, तो Ag+ को पकड़ो। देखो क्वेश्चन में भी वही पूछा, मेटल के लिए मेटल के लिए मेटल के लिए Ag+ बताओ, Ag+ से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सिल्वर में कन्वर्ट होगा, यानी कुल मिला के एक मोल सिल्वर जमाने के लिए एक फेराडे का चार्ज चाहिए, यानी 1 फेराडे का जमाने के लिए, यानी एक मोल जमाने के लिए 1 फेराडे का आवेश पास करवाना पड़ेगा। तो ये हमारा ओवरऑल आइडिया लग गया समीकरण से, 1 फेराडे के आवेश में 1 मोल बनता है, 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल सिल्वर का मास 108 ग्राम जो दिया हुआ है। बताओ कितना सारा, आप देखो क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछ रहा है, ये क्या पूछा सुनो, 108 ग्राम सिल्वर जमाने के लिए कितना फेराडे का आवेश तुमको पास करवाना पड़ेगा। इस बार थोड़ा उल्टा पूछ दिया, इस बार मास नहीं पूछ के आवेश पूछ दिया है, ऐसा भी हो सकता है। 108 ग्राम सिल्वर पता चल गया कि रोड पे कितना जमा हुआ है, 108 ग्राम सिल्वर जमा हुआ है, तो बोला कितना सारा चार्ज पास करवाए होंगे, तो बताओ 108 ग्राम जमाने के लिए कितना फेराडे का चार्ज चाहिए होगा, 1 फेराडे का, देखो एक लाइन में बन गया। अरे 1 मोल का मास कितना होता है, 108, वही पूछ दिया ये कि 108 ग्राम सिल्वर को जमाने के लिए कितना फेराडे का चार्ज चाहिए होगा, 1 फेराडे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बोलेगा 2 फेराडे के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 के लिए करेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। जितना क्वेश्चन पढ़ा है ना उसको उसको रट भी लेगा तो काम चल जाएगा। छोड़ देंगे हम, देखो 1 मोल Al3+ से Al जमाने के लिए, सुनो तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो 2021 में आया हुआ है। अगर मेरे पास ना 1 मोल क्या बनाना है, एल्यूमिनियम बनाना है, तो ये ना हाफ इक्वेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ यहाँ पे, हाफ इक्वेशन, हाफ समीकरण दिया हुआ है। तो बताओ इसको कंप्लीट कैसे लिखेंगे हम, Al3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम बनाएगा। आइलर क्या है, शांत रहो। चलो हमको क्या चाहिए कि 1 मोल जब, 1 मोल जब जमाएंगे तो कितना चार्ज चाहिए होगा, यही चाहिए ना हमको, तो बताओ ये कितना चाहिए होगा हमको,
तीन तीन इलेक्ट्रॉनों क्या समझते हैं यहाँ पे हम, तीन फैराडे, तो तीन फैराडे में कितना जमता है यहाँ पे, एक मोल एल्युमिनियम जमता है। तो वही पूछा है कि एक मोल एल्युमिनियम जमाने के लिए कितना आवेश चार्ज चाहिए होगा, तीन फैराडे का चाहिए होगा यानी 3 × 96 500 चाहिए होगा। अब कूलम्ब में हम कन्वर्ट कर लिया क्योंकि कूलम्ब में आंसर दिया कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां से तुमको ऐसे ही पूछ सकता, उल्टा भी पूछ सकता, सीधा भी पूछ सकता, अपना अपना तुम लोग अरेंज कर लेना कैसे पूछ रहा हो। चलो ये का आंसर क्या होगा, 96 500। चलो तीन क्वेश्चन तक कर दिया, अब अगले क्लास में सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे।